मंडी जिला के सरकाघाट में नवंबर माह में बुजुर्ग महिला के साथ की गई बदसलूकी को प्रदेश की जनता अभी भूल ही नहीं पाई है कि अब हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल में ऐसी ही घटना को समाज के कठोर ठेकेदार जन्म देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां जाहू पंचायत के डोह गांव में 17 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को ये कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि वे डायन है और जादू टोना करती है। हालांकि मामला पुलिस तक भी पहुंचा है और गांव के करीब 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके महिला से बदसलूकी का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है और अब तो महिला को घर से अकेले निकलना मुश्किल हो गया है। जाहू पंचायत के डोहक गांव की 69 वर्षीय संध्या देवी पत्नी स्वर्गीय परशुराम ने हमीरपुर में मीडिया को बताया कि उनका घर मुंडखर में था, लेकिन वर्ष 2007 में वे परिवार सहित डोहक आ गए और यहां घर बनाकर रहने लगे। बुजुर्ग महिला ने बताया कि गांव के कुछ लोगों को शुरू से ही उनके यहां रहने पर आपत्ति रही और वे हमेशा उनके साथ झगड़ते रहते थे। काफी वर्षों तक तो वे ये सब सहते रहे, लेकिन बाद में गांव के लोगों ने उसे घर आकर डराना धमकाना शुरू कर दिया। महिला ने बताया कि पिछले दिनों भी गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ घर में आकर मारपीट की। पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संध्या देवी ने बताया कि उनका बेटा और बहू चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं और वे परिवार के साथ वहीं रहते हैं। आजकल लॉकडाउन के चलते बेटा घर आया हुआ है। पिछले दिनों जब बेटा किसी काम से बाहर गया हुआ था तो लोगों ने उसे डराने धमकाने का प्रयास किया और मारने की धमकियां देते रहे। बुजुर्ग महिला ने बताया कि बेटे के घर आने तक भी घर के भीतर बंद रही। इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई तो भोरंज पुलिस थाने में डोह गांव के 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। क्या नाम जी थोंदा? संध्या देवी। कुदी दे रहने वाले तो? अहें जी डोह के रहने वाले है, डोगर रहने वाले है। फिर ओथे ना लड़ाई हुई, मारपीट हुई तो अहें पंचायती च थाने कीती। थाने वाले आए तो तेने बोलिया राजीनामा कर लो, फिर अहें राजीनामा कीता। फिर उस ते बाद फिर तेने झगड़ा कीता तो कहने लगे कि अहें पुलिसा च 7 नंबर फोन करना और निकालो इस रनी को। तभी मैं देखने लगी तो सारे आई गए। मैं अंदर बढ़ गई, अंदर बढ़ी तो मैं कुंडा बंद कर लिया। फिर बोलने लगे कि सारे बोलो जो कड्ढा है रंडा बार और सा जो अहें फूक दें और 7 नंबर फोन करा पुलिसा ले पकड़ावा। फिर उसके बाद मैं बोलने लगे कि सारी ये जीभ निकाला और बहुत ही डैने और दिए जलाती है चार मुखा और बैठी है मथली डाने और सारी जीभ निकाली दें। ऐसा कौन बोलता है? वही बोला है सब पड़ोसा वाले बोलने लगे ताले उन मुझे ही पता नहीं लगे कौन कौन बोले, पर सब ने यही आवाज करे। फिर ये समस्या है जो बहुत पा रही है। तो आपने पुलिस में शिकायत की क्या इस बारे में? इसी बारे में शिकायत की थी भी हमारे को नहीं चल दे और मारे कर रहे हैं और डैन बोल रहे हैं तो पुलसौड़े सब दे। फिर किसी नहीं किते तेने भी। तो अब आप क्या चाहते हैं? न्याय, न्याय होने चाहिए। बहुत मुश्किल है, न्याय होने चाहिए। अहें अलाय ने बैठा है, हमें बड़ी भारी दुखी हो रहे। अंदर बाहर कल नहीं जा सकती हूँ इसके बगैर न रह भी हूँ कली जनानी। ये तो चलिए 4 दिन होगा फिर इसे भी चली जाना तो मुझे बहुत खतरा है। इस गल न्याय होने चाहिए। उधर महिला के बेटे जयचंद ने बताया कि उन्होंने इस बारे में एसपी हमीरपुर और डीजीपी हिमाचल प्रदेश को भी लिखित शिकायत भेजी है। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम जयचंद है, मैं दो करने वाला हूँ। पर जय जाऊ क्या समस्या है? समस्या ये है सर, गांव वाले हमें घर में आके अंदर मारपीट करते हैं और पूरे गांव के इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं कि इनको मारो पीटो, कोई गवाही नहीं देगा तो उनकी पंचायत क्या करेगी और थाने वाले पुलिस वाले क्या करेंगे और कोर्ट क्या करेगा। और ये मम्मी को एक दिन मैं घर पे नहीं था और मम्मी बरंडे में बैठी हुई थी तो उन्होंने सारे गांव के आए और एग्रेसिव हो गए कि ये डायन है, ये जीभ का ढेर लगा देती है और दिए जलाती है, इसको निकालो अंदर से, मारो पीटो, जला देंगे, फूंक देंगे। सारे गांव के एग्रेसिव होके, मतलब अगर कुंडा खुला होता तो शायद ही मेरी माँ को मार देते वो। आप कहाँ रहते हैं? मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ सर, सर्विस करता हूँ। लॉकडाउन से पहले मैं आया था यहाँ पे
और अभी यहीं है, चंडीगढ़ से आया हूँ। तो क्या आपने इस बारे में पुलिस को शिकायत नहीं की थी? सर इसके बारे में मैंने पहले पंचायत में भी रिपोर्ट करी है, फिर पंचायत से थाने में भी रिपोर्ट करी है, और थाने वाले आते हैं तो आके जैसे पूछते हैं कि हाँ जी हम यहाँ तो कोई मार पिटाई नहीं हुई है, और कहने लगते हैं कि इनकी कोई गवाही नहीं देगा तो ये क्या कर लेंगे। तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि हाँ ये तो बात है, आपके गवाही कहाँ हैं? तो गवाही हम परिवार अकेला परिवार या पूरे गांव के इकट्ठे हो जाते हैं तो हम गवाह कहाँ से लाएं? हम अपनी जान बचाएंगे या गवाह ढूंढेंगे पहले? इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? मैंने इसकी कंप्लेंट एसपी साहब को और डीजीपी साहब को कंप्लेंट करी। उसके बाद एसपी साहब की इंक्वायरी आई तो उसका कोई पता नहीं चला, और गांव वाले कहने लगे कि हमने ऊपर से केस बंद करवा दिया, अब गांव में कोई पुलिस नहीं आ सकती। इस सारे मामले में हमारे कश्मीर चंद जी हैं वो कोर्ट से रिटायर्ड हैं, और ये सारे गाइडलाइंस वो ही देते हैं, और कहते हैं मैं सब कानून जानता हूँ और मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको, मैं संभाल लूंगा। वहीं एसपी हमीरपुर अजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि भोरंज थाने में ऐसा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है, और यदि गांव के लोग अभी भी उसे इसी तरह प्रताड़ित कर रहे हैं तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी।